बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टाइप स्क्रिप्ट का टॉपिक है यूनियन टाइप्स और लिटरल टाइप्स। बहुत ही आसान सा शॉर्ट सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से मैं आपको उसको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यूनियन टाइप की हेडिंग दे दूँ। यूनियन टाइप और दूसरी टाइप है हमारे पास लिटरल टाइप। अच्छा, एक सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यूनियन टाइप क्या होती है। यूनियन टाइप का मतलब है कि हमने लिया एक वेरिएबल या एक वेरिएबल लेते हैं हम। वेरिएबल का नाम मैं रख देती हूँ, बल्कि वेरिएबल भी नहीं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम एक चलो हेलो कर देंगे। हेलो इसकी हम टाइप रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं यूनियन टाइप दे रही हूँ स्ट्रिंग। यूनियन टाइप का मतलब होता है एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइप दे देना, अलाउ कर देना। अच्छा जी, लेट कर देते हैं। ठीक है, पहले मैंने बनाया वेरिएबल, उसका मैंने नाम लिखा हेलो, और अब मैं उसको दे रही हूँ टाइप्स। उसको हम डिफरेंट टाइप्स दे रहे हैं। लिटरल यूनियन टाइप का मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइप्स अलाउ कर देना, नंबर। और इसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने हेलो, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर हमने उसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ स्ट्रिंग की। तो आप देखें किसी किस्म का इसने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको टाइप्स अलाउ की हुई है, स्ट्रिंग की भी, नंबर की भी, बूलियन की। अब हम चाहें तो हम इसको एक और भी टाइप दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको दूसरी टाइप भी अलाउ की हुई नंबर की, तो हम यहाँ पर एक और नंबर भी दे सकते हैं। आप देखें इसने भी कोई एरर नहीं दिया। इसी तरह क्योंकि हमने इसी वेरिएबल को बूलियन भी अलाउ किया हुआ है, तो हम ट्रू या फॉल्स की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको एक चीज़ और बता दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यूनियन टाइप का मतलब होता है कि हमने एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइप्स अलाउ कर दिया। अब इन टाइप में से कोई भी टाइप हम वन बाय वन इस वेरिएबल को दे सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे ट्रू और बूलियन में हो। अच्छा, इसके अलावा जो आप इस पर जब होवर करें तो हेलो की टाइप तो ये आ रही है, क्या नाम है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। अच्छा, तो ये यूनियन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट यूनियन का मतलब कि एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइप्स अलाउ करते हैं और उनको हम वन बाय वन कोई भी टाइप दे सकते हो, वो यूनियन टाइप कहलाता है। अच्छा, लिटरल टाइप क्या होता है। लिटरल टाइप क्या होता है, मैंने बनाया एक वेरिएबल, उसको हम टाइप की जगह वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, और नंबर की जगह मैं दे देती हूँ 23, और बूलियन की जगह मैं दे देती हूँ ट्रू। ऑलमोस्ट मिलती जुलती सी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। अब देखिए, यूनियन टाइप में क्या था कि हमने सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन की टाइप दी थी, तो उसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते थे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं, टाइप की जगह हमने वैल्यू असाइन की हुई है, ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ के अलावा कुछ भी मज़ीद इसको असाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने ग्रीड को वैल्यू देनी होगी तो मैं दे सकती हूँ माहम, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ग्रीड को एक और कोई वैल्यू देनी होगी तो जो मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो आएगा। ग्रीड को अगर मैं वैल्यू देना चाहूँ ट्रू की, तो बस वो आएगा। अगर मैं इसको कोई और वैल्यू देना चाहूँ तो वो मैं नहीं दे सकती। लाइक मैं देना चाहूँ निम्रा, आप देखें इस पर एरर दे रहा है। एरर क्या है,
टाइप प्रेमरा इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप ट्रू, माहम और 23, यानी कि इन तीन नाम के अलावा हम लोग कुछ और वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं करते। तो लिटरल टाइप और यूनियन टाइप का मतलब आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर होती है, टाइप नैरोइंग भी होता है, मैं उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल आप लिटरल टाइप और यूनियन टाइप का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।